सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर वीडियो ऑफ 3D जेन ज्वेलरी। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे प्रेशर क्लस्टर और नॉर्मल क्लस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेशर क्लस्टर, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेशर क्लस्टर। हम प्रेशर क्लस्टर के लिए हम सबसे पहले लेंगे, हम एक डायमंड लेंगे फ्रॉम जेम लोडर। जेम लोडर से हम डायमंड लेंगे 2 mm का। अब इसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हम छोटे डायमंड लेंगे, अप्रॉक्स 1.5 का। इसको हम बिल्कुल सटीक तरीके से सेट करेंगे। चेक करते हैं F6 से, तो ये 1.5 का डायमंड है ना। अब इसको हम 0.15 इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे ना। इसके हम सिक्स सिक्स को हम एरे पोलर करेंगे ना। अब हम इसको ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद हम इसको 0.3 ऊपर तक करेंगे हम इसको ना। अब हम एक बनाएंगे हम सर्कल। एक सर्कल बनाएंगे हम अप्रोक्स, डायमंड टच टू टच रखेंगे ना। इसका हम 0.1 एक्स्ट्रा लेंगे, 0.1 एक्स्ट्रा लेंगे हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायमंड चाहिए एट द टाइम ऑफ सेटिंग। जब ये वियर एंड टियर, अब हम इसकी पॉलिशिंग करेंगे तो ये डायमंड मेटल हमारा घिस करके डायमंड के जितना आ जाएगा ना। यहां से हम एक लाइन लेंगे अप्रोक्स 0.10 का। इसको हम करेंगे मिरर। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, आउटर को सेलेक्ट करेंगे। देन आउटर को सबसे पहले हम कॉपी करेंगे। कॉपी इन प्लेस कमांड हम यूज करेंगे। कॉपी इन प्लेस कमांड बेसिकली यूज होती है, हमें एक एक ही जगह पर दो कॉपी चाहिए होती है। तो इस समय मैंने कॉपी इन प्लेस कमांड यूज करी है। तो एक लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ जो कि हमें चाहिए होगी, और एक लेयर को एज इट इज रखता हूं मैं। लॉक करा, कंट्रोल ए सिलेक्शन, मैंने सबको हाइड कर दिया ना। उसके बाद इसको मैंने एक्सटेंड करा, इसको भी मैंने एक्सटेंड करा ना। पूरे कर्व्स को सेलेक्ट करके मैंने इसको ट्रिम करा। तो ये हमारा वी प्रॉन्ग बन करके तैयार है। ये वी प्रॉन्ग प्रेशर क्लस्टर मैं बना रहा हूं इस समय। अब जितने भी डायमंड्स हैं इन सबको एक बेस लेवल तक ले आते हैं ताकि हमें एक्सट्रूड करने में आसानी होगी। इसको हमने करा 0.8, डाउन करा ना। अब हमने जो हाइट करी थी कर्व, इसको हम लेकर आएंगे, एक्सट्रूड करेंगे -1.2। अब हम इंटरपोलेट कर्व यूज करेंगे। थोड़ा सा हम इसको डाउन करेंगे। बोथ साइड एक्सट्रूड करेंगे कर्व को खींच करके ना। बुलियन स्प्लिट हमने कमांड यूज करी। इसमें हमने कर दिया फिलेट। अब हम यहां पे गिराएंगे होल्स। जम कटर, जम कटर हम ये यूज करेंगे पायलट होल स्ट्रेट। और इसको भी हम यहां पे यूज करेंगे, जेम कटर पायलट होल स्ट्रेट। तो ये हमारा नीचे तक सेट हो गया है। जो भी हम, जब भी हमारा प्रेशर सेट होगा, हमने इसको 0.3 डाउन करके सेट करा है। अब हम इसको एरे पोलर करेंगे वी प्रॉन्ग को। तो
तो ये हमारा वी प्रेशर क्लस्टर बन करके रेडी है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्लस्टर की तरफ। इसको हम ग्रुपिंग करके इसको साइड करेंगे। सेम जेमस्टोन्स को हम उठाएंगे। आप जितने भी क्लस्टर बनाएंगे सबका क्राइटेरिया सेम होगा, 0.15 सब ऊपर आएंगे। इसको हमने यहां पे मूव करा, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी और कंट्रोल वी, इसको हमने यहां पे मूव करा। नाउ अब हमने एक जेमस्टोन को रिमूव फ्रॉम द ग्रुप करा, F12 दबाया, जेम गाइड अप्लाई। नाउ हमने इसका करा ऑफसेट 0.1, हम चाहे तो जेम गाइड से भी, सॉरी इसको 0.15, हम चाहे तो जेम गाइड से भी हम इसको ऑफसेट ले सकते हैं। तो आपको मैं नई कमांड बताता हूँ, ऑफसेट 0.15, तो आप 1.15, 0.15, तो ये 0.15 हमने यहाँ पे डाला तो हमारा ये ऑफसेट हो गया। तो आप इसको यहां से भी हम उसको ऑफसेट कर सकते हैं। जेम्स को हम हाइड करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ट्रिम, ट्रिम कमांड हम यूज करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे ना, ज्वाइन करेंगे, इसके बाद हम उसका कलर चेंज कर देंगे। सारे जेमस्टोन्स के वापस से लेकर आएंगे ना, इसको हम नीचे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड 1.3। अगेन हम वापस से कटर लेकर आएंगे, जेम कटर, पायलट होल स्ट्रेट नाउ, इसको हम शेडेड व्यू में चेंज करेंगे, बुलियन डिफरेंस करेंगे नाउ, डाउन अगेन इन सब छह के छह को सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे, F12 दबाएंगे नाउ, इसके बाद पायलट होल स्ट्रेट, ये अब हमने अब हम इसमें बिठाएंगे हम प्रॉन्ग्स, पॉइंट सेवन। अब हम यहां पे -0.1 का ऑफसेट लेंगे, F12 दबाएंगे, सारे जेमस्टोन को हमने सेलेक्ट करा, जेम गाइड्स। अब हम यहां पे प्रेस करेंगे -0.1। तो अब देखेंगे यहां पे हमारा 0.1 तक का येलो आ गया। अब हम इसको करेंगे अप्लाई। अब हम जो भी हम प्रॉन्ग्स बनाएंगे हम इसका डायमीटर चेक करेंगे, 0.7 का डायमीटर है। इससे नीचे का प्रॉन्ग आप ना ही रखे तो ही अच्छा है, ताकि हमारी इसमें क्लस्टर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए, क्योंकि इस प्रॉन्ग को दोनों डायमंड्स को इनको पकड़ के रखना है, तभी ये पकड़ पाएगा ना। हमने यहाँ पे बिल्कुल टच टू टच कर दिया, इसको हम करेंगे 0.8 तक का ऊपर करा, 0.7 का हमने इसका थिकनेस रखे तो इसकी 0.3 तक का हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया है, पॉइंट इसको हम करेंगे 0.15। नाउ अब हम इसको करेंगे स्केल 1D टिल डाउन, नाउ अब हम इसको करेंगे अरे पोलर। तो ये एक और तरीके का हमारा प्रेशर क्लस्टर बन करके तैयार है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।